सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DSE और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1,00,000 स्टूडेंट्स को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें, बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विथ इंस्पायर अवार्ड्स मानक। छात्रों, आप सब से फिर से मिलकर खुशी हुई। आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सन 1610 में एक दिन शाम को महाराजा उदय सिंह ने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और अपनी महारानी को फोन करके कहा, प्रिये, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर शहर का दौरा करने जा रहा हूं, इसलिए महल पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। सेवकों से कहना कि जब तक मैं ना लौटूं, तब तक लाइटें बंद ना करें। इस कहानी में हास्यपद और विचित्र बात कौन सी थी? इस कहानी के बारे में विचित्र बात यह है कि 400 साल पहले रहने वाले एक महाराज को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए बताया गया है। अब यह सुनिए। इमरान ने शर्ट, पैंट, टाई, कोट और जूते पहने और सिर पर एक सोने का मुकुट लगाया। वह हाथ में एक तलवार लेकर हाईवे पर गया और धीरे धीरे चलने लगा। यह बात भी विचित्र और हास्यपद है, क्योंकि आजकल के जमाने में कोई मुकुट लगाकर हाथ में तलवार लिए नहीं घूमता। ये दोनों दृश्य नामुमकिन और अस्वीकार्य लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है कि किसी निश्चित काल में क्या हुआ होगा। उस काल से विपरीत कोई भी बात बहुत विचित्र और मूर्खतापूर्ण लगती है। काल के आधार पर हमारा दिमाग चीजों की विशिष्टता पहचान पाता है और उसके अनुसार उन्हें स्वीकार करता है। जब चीजों को किसी इकाई जैसे कि समय, कद, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि के आधार पर एक के बाद एक रखा जाता है,
तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। मैं दोहराती हूं, जब चीजों को किसी इकाई जैसे कि समय, कद, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि के आधार पर एक के बाद एक रखा जाता है तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। आइए अनुक्रमण को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रम को देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद 12 आएगा। ऐसा क्यों है कि यहां 12 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती? हमने देखा कि इसमें एक पैटर्न है, ये सारी सम संख्याएं हैं और इन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, इसलिए तर्क के अनुसार अगली संख्या 12 होगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आपको स्क्रीन पर कुछ और क्रम दिखाए जाएंगे। आपको उन क्रमों के तर्क को समझते हुए क्रम में आने वाली अगली संख्या को पहचानना है। क्या आप तैयार हैं? 4, 8, 12, 16, 3, 9, 27, 2012, 2002, 1992। धन्यवाद। आइए अब उत्तर देखते हैं। पहला क्रम संख्या 4 से शुरू होता है और उसके बाद आगे वाली संख्या प्राप्त करने के लिए पहले वाली संख्या में 4 जोड़ा गया है। शून्य में 4 जोड़ा, मिला 4। 4 में 4 जोड़ा, मिला 8। 8 में 4 जोड़ा, मिला 12। 12 में 4 जोड़ा तो मिला 16। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या 4 की गुणज है, जिन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। 1 × 4, 2 × 4, 3 × 4 इत्यादि। इसलिए अगली संख्या होगी 20, 16+4 या 5 × 4। दूसरे क्रम में पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 9, तीसरी संख्या है 27। पैटर्न ये है कि आगे वाली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या को 3 से गुणा किया गया है, इसलिए पहले वाली खाली जगह में 27 × 3 होगा, जो है 81। दूसरी खाली जगह में 81 × 3 आएगा, जो है 243। तीसरे पैटर्न में संख्याओं को घटते हुए क्रम में लगाया गया है। पहली संख्या है 2012 और अगली है 2002, जो कि पहली संख्या से 10 कम है। तीसरी संख्या है 1992, जो कि 2002 से 10 कम है, इसलिए पहली खाली जगह में 1982 आना चाहिए, क्योंकि 1992 × 10 = 1982 होता है। दूसरी खाली जगह में 1982 × 10 आएगा, जो है 1972। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अगली 2 खाली जगहों में तीर की स्थिति क्या होगी? शुरुआत में तीर ऊपर की तरफ है, या कह सकते हैं कि उत्तर की तरफ है, और उसके बाद
उसे दाईं तरफ 90 डिग्री के कोण पर घुमाया गया, जिससे वह पूर्व की ओर इशारा कर रहा है। तीसरे चित्र में उसे फिर से दाईं तरफ 90 डिग्री के कोण पर घुमाया गया, जिससे वह दक्षिण की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए इसके बाद तीर को फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाएगा, तो वह पश्चिम की ओर इशारा करेगा। आखिर में उसे फिर से 90 डिग्री पर घुमाया जाएगा, जिससे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में उत्तर की ओर हो जाएगा। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर चार वर्ग दिखाए जाएंगे, जिनमें अलग अलग आकृतियां बनी होंगी। चौथा वर्ग खाली होगा। आपको बताना है कि चौथे वर्ग में आकृतियों की स्थिति क्या होगी। आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आइए अब सही जवाब देखते हैं। हम देख सकते हैं कि वर्गों में आकृतियों का एक निश्चित पैटर्न है। वर्ग में बनी सभी आकृतियां दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही हैं। इस तर्क के अनुसार चौथे वर्ग में आकृतियां इस तरह दिखेंगी। निश्चित क्रम वाले पैटर्न से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि क्रम में आगे क्या आएगा। दो जगहों के बीच जो स्टेशन आएंगे उनके क्रम को बदला नहीं जा सकता। इसी तरह कुछ क्रम ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उस क्रम की वजह से ही कोई विधि अर्थपूर्ण होती है। चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति को खुद की योग्यता साबित करनी होती है और पार्टी में नेता बनना होता है। इसके बाद चुनाव जीतना पड़ता है और पार्टी के नेतृत्व की योग्यता साबित करने के लिए विधानसभा में बहुमत हासिल करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री का पद हासिल करने का यही क्रम है। अब हम एक क्रम देखेंगे जो प्रकृति में पाया जाता है। जब अंडे फूटते हैं तब उसमें से इल्लियां निकलती हैं और वे पत्ते खाकर बड़ी होती हैं। इसके बाद वे अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती हैं और सुंदर पंख प्राप्त करने से पहले अपने कवच के अंदर ही रहती हैं। तितली बनने के लिए उन्हें इन सब चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण पर कुछ आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं जिनके बिना वे तितली नहीं बन सकती। इसी तरह मनुष्यों को भी बड़े होने से पहले कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। कुछ चरणों से गुजरने के बाद ही मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से वयस्क हो पाते हैं। प्रत्येक चरण की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। अगर हम इस क्रम को बदलने की कोशिश करें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अनुक्रमण की मदद से हम प्रकृति की व्यवस्था को समझ सकते हैं। अनुक्रमण के फायदे। प्रकृति की व्यवस्था क्रम को समझने में मदद मिलती है। अब आपको स्क्रीन पर कुछ और चित्र दिखेंगे। आपको इनका सही क्रम पहचानना है। बहुत बढ़िया। आइए अब सही क्रम देखते हैं। भिगोना, धोना, खंगालना, ये काम सही क्रम में करने चाहिए।
क्रम को बदलने से हमें सही परिणाम नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, इस परिस्थिति में क्रम बदलने से कपड़े साफ नहीं होंगे। सही क्रम में काम करने से आपको वांछित फल मिलेगा। अनुक्रमण के फायदे। वांछित फल मिलता है। करुणा सुबह देर से उठी। काम खत्म करने के बाद उसे स्कूल जाना था। उसकी माँ उसे जल्दी तैयार होने के लिए कह रही थी। करुणा कुछ देर के लिए रुकी और उसने कामों का सही क्रम बनाया। ऐसा करने से वह स्कूल जाने से पहले अपने सारे काम खत्म कर पाई। हमने इससे क्या सीखा? चिंता और परेशानी से बचने के लिए हमें अपने काम क्रम में लगा लेने चाहिए। अनुक्रमण से हमारे काम व्यवस्थित हो जाते हैं। अनुक्रमण के फायदे। काम को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। आइए अनुक्रमण का एक और फायदा देखते हैं। अगर आप शतरंज खेलना चाहते हैं तो आप किसी से कहेंगे कि वह आपके साथ खेले। आप शतरंज के बोर्ड को दोनों खिलाड़ियों के बीच रखेंगे और सफेद व काले मोहरों का चुनाव करेंगे। इसके बाद आप अपने मोहरे जमाएंगे, फिर आप खेलना शुरू करेंगे और सोच समझ कर अपनी चाल चलेंगे। जिन प्यादों या मोहरों को आपने मार दिया होगा, वे बोर्ड से हटा दिए जाएंगे। जब किसी खिलाड़ी के राजा को शह और मात दे दी जाएगी, तब खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म होने पर बोर्ड हटा दिया जाएगा और अगला खेल खेलने से पहले उसे उपयुक्त जगह पर रख दिया जाएगा। जो काम करने हैं उनकी सूची बनाना और फिर उन्हें सही क्रम में रखना, इसे कार्य योजना कहते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। कादिर एक गायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, जो कि उसके स्कूल में 10 दिनों बाद होगी। उसने अपने कार्यों की सूची पहले ही बना दी। पहले खुद का नाम दर्ज करवाना, फिर गीत चुनना, गीत को याद करना, उसका अभ्यास करना, साज चुनना इत्यादि। उसने आज ही इन बातों पर काम करना शुरू कर दिया। वह इस बारे में अपने दोस्त मयंक के साथ चर्चा कर रहा है। नाम दर्ज करवाने से लेकर भाग लेने तक अगर सारे कार्यों की सूची सही क्रम में बनाई जाए तो लक्ष्य तक पहुंचने की कार्य योजना अपने आप सामने आ जाती है। अनुक्रमण के फायदे। कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जब चीजों को किसी इकाई जैसे कि समय, कद, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि के आधार पर एक के बाद एक रखा जाता है तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण के फायदे। प्रकृति की व्यवस्था या क्रम को समझने में मदद मिलती है। वांछित फल मिलता है। काम को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। Thank you.
करने का अर्थ है दिमाग में किसी चित्र या विचार का दृश्य बनाना। मैं दोहराती हूँ, कल्पना करने का अर्थ है दिमाग में किसी चित्र या विचार का दृश्य बनाना। एक फिल्म में दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है, यह उस दिन की बात है जब। इसके बाद दोनों व्यक्ति स्क्रीन से हट जाते हैं और वह दृश्य दिखाया जाता है जो पहले घटा था। जब वह दृश्य पूरा हो जाता है तब वे दोनों व्यक्ति स्क्रीन पर वापस दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है इस तकनीक को क्या कहते हैं? बताइए। सही कहा, इसे पूर्व दृश्य या फिर फ्लैशबैक कहते हैं। इस तकनीक से हम भूतकाल में हुई घटनाओं को दृश्यों द्वारा दिखाते हैं और हमें इस घटना के बारे में बोलकर नहीं बताना पड़ता। ऐसा करने से उस घटना से संबंधित कोई भी विवरण छूटता नहीं है जो कि शब्दों में बताने पर छूट सकता है। फ्लैशबैक केवल फिल्मों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने दोस्तों को किसी नई जगह घूमने के अनुभव के बारे में बताते हैं तो आप क्या करते हैं? आप याद करते हैं कि आप कब निकले, आपका सफर कैसा था, आपने रास्ते में क्या देखा, उस जगह पहुंचकर आपको कैसा लगा इत्यादि। आप अपने अनुभवों के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। आप उस दृश्य की कल्पना अपने दिमाग में करते हैं और ऐसा करने से आप उन अनुभवों को अच्छी तरह याद कर पाते हैं। कल्पना करने से हमें चीजें याद करने में आसानी होती है। आइए अब एक कहानी सुनते हैं। तान्या की आदत है कि वह सोने से पहले उस दिन हुई घटनाओं को याद करती है। एक रात उसने अपनी माँ की बातें याद की। उन्होंने कहा था, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो। उसे याद आया कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा था। उस विस्तार से वह दृश्य अपने दिमाग में याद आया। उसने दूध उबलने रखा था और वह टीवी देखने लगी। उसकी माँ किसी काम में व्यस्त थी। जब उन्हें जलते हुए दूध की बदबू आई तो वे दौड़कर रसोई में गैस बंद करने गई और उन्होंने तान्या को डांट लगाई, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो। तान्या को एहसास हुआ कि उसकी माँ का गुस्सा गलत नहीं था। उसने तय किया कि वह यह गलती कभी नहीं दोहराएगी। हमने इससे क्या सीखा? कल्पना करने से हम पिछली घटनाओं या कार्यों का विश्लेषण कर पाते हैं, भविष्य में गलतियां नहीं दोहराते। सोने से पहले अगर हम पूरे दिन की घटनाओं को दृश्य के रूप में याद करें तो हमें इससे मदद मिल सकती है। ऐसा करने से हम अपने कार्यों का विश्लेषण उचित और अनुचित के तौर पर कर पाएंगे और भविष्य में अनुचित कार्य करने से बच पाएंगे। हम इस तकनीक से भूतकाल के ही नहीं बल्कि भविष्यकाल के कार्यों की भी कल्पना कर सकते हैं। आइए कुछ क्रियाकलापों के द्वारा इसके फायदे जानने की कोशिश करते हैं। प्रेमा के पास एक पालतू कुत्ता है। वह अपना कुत्ता
दूसरे गांव में रहने वाली अपनी मौसी को दिखाना चाहती है। वह अपनी मौसी से मिलने जाती है और साथ में अपने कुत्ते को भी ले जाती है। बस में वह ऐसी जगह पर बैठी जहां 3 सीटें हैं। वह बीच वाली सीट पर बैठ गई और यह कल्पना करने लगी कि उसके पड़ोस में बैठे लोग क्या प्रतिक्रिया करेंगे। अगर आप यह कल्पना करेंगे कि सार्वजनिक यातायात में किसी पालतू पशु को ले जाने से दूसरों को परेशानी हो सकती है, तो आप ऐसा काम करने के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना? इसलिए कल्पना करने से हम दूसरों की परेशानी बढ़ाने से बच सकते हैं। कल्पना करने से हम दूसरों की परेशानी बढ़ाने से बच सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आप सब्जियां खरीदने के लिए एक कपड़े का थैला लेकर गए हैं। आपने नारियल, आलू, फली, गाजर, टमाटर, केले और अंडे खरीदे। क्या आप बता सकते हैं कि अपने थैले में आप सामान कैसे जमाएंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह घर तक पहुंच जाएं? धन्यवाद। आप नारियल, गाजर और आलू जैसी कठोर चीजें नीचे रखेंगे। इसके बाद उन पर फली रखेंगे और फिर केले, टमाटर और अंडे रखेंगे ताकि ये पिचक ना जाए, है ना? कल्पना करने से हम किसी काम को करने का सही तरीका पहचान पाते हैं। कल्पना करने से हम किसी काम को करने का सही तरीका पहचान पाते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। कला अपने भाई की साइकिल लेकर कुछ जगहों पर गई। अचानक उसका ध्यान बट गया और वह फिसलकर साइकिल से गिर गई। गिरने की वजह से साइकिल का हैंडल मुड़ गया और एक ब्रेक टूट गया। उसका भाई बहुत गुस्से वाला है और अपनी साइकिल का बहुत ध्यान रखता है। कला यह कल्पना कर रही है कि जब वह यह बात अपने भाई को बताएगी तो वह क्या कहेगा। यह तो स्वाभाविक है कि वह बहुत चिल्लाएगा। अगर कला ने पहले ही यह कल्पना कर ली होती कि साइकिल का ध्यान ना रखने से उसके भाई को गुस्सा आएगा, तो वह बहुत ध्यानपूर्वक साइकिल चलाती। ऐसा करने से शायद उसके साथ वह दुर्घटना कभी ना घटती या फिर साइकिल को कम से कम नुकसान होता। इसलिए कल्पना करने से हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। कल्पना करने से हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, तब क्या आपने यह कल्पना की है कि आपके शिक्षक या माता पिता उस बारे में क्या कहेंगे? इसी तरह जब आप कोई नियम या कानून तोड़ते हैं, तब क्या आप उसके परिणामों के बारे में सोचते हैं कि इसका दूसरों पर क्या असर होगा? ऐसा करने से यह संभव है कि आप सही काम करेंगे और गलत कामों से दूर रहेंगे। कल्पना करने से हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। कल्पना करने से हम सही
और गलत के बीच फर्क कर पाते हैं। मुझे आशा है कि आप अनुक्रमण और कल्पना की तकनीकों का इस्तेमाल करके समीक्षात्मक विचार करने की योग्यता को विकसित कर पाएंगे और बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? कल्पना करने का अर्थ है दिमाग में किसी चित्र या विचार का दृश्य बनाना। कल्पना करने से हम चीजें आसानी से याद कर पाते हैं, पिछली घटनाओं या कार्यों का विश्लेषण कर पाते हैं, भविष्य में गलतियां नहीं दोहराते, दूसरों की परेशानी बढ़ाने से बच सकते हैं, किसी काम को करने का सही तरीका पहचान पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, सही और गलत के बीच फर्क कर पाते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशन कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के छठी से दसवीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1,00,000 छात्रों को 10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। जीत ले हम सारी दुनिया, लीजिए हमें आज वो
नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। यह खेल खेलने के लिए आपको दिखाए गए सारे शब्द या वाक्यांश पढ़ने हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे शब्द पढ़ना ना आता हो? क्या आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है, क्योंकि आप रोज कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि कहानियां और निबंध? स्क्रीन पर एक एक करके आपको कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको ये शब्द जोर से पढ़ने हैं। अगर आप में से कोई उस शब्द को पढ़ नहीं पाया तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। बाकी के विद्यार्थी खेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप पहले पांच शब्द अच्छी तरह पढ़ पाए। उसके बाद दिया गया शब्द आप में से कुछ विद्यार्थी पढ़ पाए और आखिर के दो तीन शब्द आप में से शायद कोई भी नहीं पढ़ पाया, इसलिए सारे विद्यार्थी खेल से बाहर हो गए। मैं वे सारे शब्द फिर से जोर से पढ़ूंगी। सुनते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप आखिर के तीन शब्द क्यों नहीं पढ़ पाए। आप हिंदी और अंग्रेजी के शब्द पढ़ पाए। जिन विद्यार्थियों को गुजराती आती थी वे गुजराती पढ़ पाए, क्योंकि उसके अक्षर हिंदी से मिलते जुलते थे। पर आप आखिर के तीन शब्द नहीं पढ़ पाए, क्योंकि आप तमिल, कन्नड़ और चाइनीज लिपि से परिचित नहीं हैं। इसलिए ना तो आप वे शब्द पहचान पाए, ना ही याद करके उनके बारे में बता पाए। पहचानना और याद करके बताना, इनका क्या अर्थ होता है? जो चीजें हमने पहले देखी हो हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अकेले उड़ीसा गए हैं। आपको उड़िया पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। वहां के लोगों को हिंदी पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। आपको रेलवे स्टेशन से अपने होटल का रास्ता मालूम नहीं है। आप अपने आसपास खड़े लोगों से मदद मांग रहे हैं, वे उड़िया में जवाब दे रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में गए होते तो आपको सड़क पर लगे बोर्ड पढ़कर सारी जानकारी मिल जाती। जिस जगह की भाषा आपको मालूम ना हो, ऐसी नई जगह पर कुछ भी पढ़ पाना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन होता है। इसलिए नौकरी के इंटरव्यू के दौरान यह पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। लोगों को यह बताना होता है कि वे कौन सी भाषाएं जानते हैं और किस भाषा से कितने ज्यादा परिचित हैं। यह दुनिया छोटी होती जा रही है और विज्ञान व आधुनिकीकरण की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इस तरह की दुनिया में काम कर पाने के लिए यह जरूरी है कि हम
अपनी मातृभाषा के अलावा भी कोई भाषा सीखें। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और आपको पहचानना है कि ये किसके चित्र हैं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, डांडिया, कथकली, भरतनाट्यम, डॉक्टर, वकील, पुलिस, कबड्डी, कैरम, हॉकी, सचिन तेंदुलकर, एआर रहमान, मदर टेरेसा। चित्रों को अच्छी तरह पहचानने के लिए धन्यवाद। आपने इन स्थानों, नृत्यों, लोगों और खेलों को वास्तविक जीवन में या फिर चित्रों, टीवी, अखबार इत्यादि में देखा होगा, इसलिए आप ये चित्र पहचान पाए और याद करके इनके बारे में बता पाए। इसी तरह कुछ चिन्हों, विज्ञापन के नारों, गीतों इत्यादि को पहचाना जा सकता है। रुपए का चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हरी बत्ती, प्रश्न चिन्ह, खतरा। अब कुछ नए चिन्ह, अशोक लीलैंड, टिमटिम तारे, दूरदर्शन, रेड क्रॉस, आगे संकरी सड़क है, कुछ विज्ञापन के नारे, तैयारी जीत की, बॉनवीटा, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल, नो उल्लू बनावे, आइडिया नेटवर्क, टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे। अब इस धुन को पहचान कर बताइए कि ये किस विज्ञापन की है। डोकोमो। बहुत बढ़िया था छात्रों, आपने जाने माने प्रतीक, चिन्ह, नारे और गीत पहचाने। इसी तरह हम जीवन में कई चीजों को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे व्यक्तियों को पहचान पाते हैं जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, पर हमने पहले उन्हें कहीं देखा है। ठीक से याद करने पर हम उस व्यक्ति का नाम, शहर और अन्य संबंधित जानकारी भी बता पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज को पहचानते हुए भी उसके बारे में कोई जानकारी ठीक से याद नहीं कर पाते। क्या आप उन गीतों को पहचान पाते हैं
जो आपने पहले सुने हो। क्या आप किसी फूल या इत्र की खुशबू पहचान पाते हैं जो आपने पहले सूंघी हो? क्या किसी स्वादिष्ट चाय का स्वाद आपके मुंह में काफी देर तक रहता है? क्या आप अपनी चाय की तुलना उस चाय से करते हैं जो आपने पहले पी थी? क्या आप पहचान पाते हैं कि कोई फल पका हुआ है या नहीं? क्या आप किसी कपड़े को हाथ लगाकर यह पहचान पाते हैं कि उस कपड़े की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं? अब एक कहानी का समय है। आज मीना का जन्मदिन है। उसे संगीत बहुत पसंद है। उसकी सहेली मधु ने उसके लिए लोक संगीत की अच्छी सीडी ढूंढी ताकि वह उसे जन्मदिन पर तोहफा दे सके। मीना के घर जाते समय मधु मन में सोच रही थी कि मीना अपना तोहफा देखकर खुश होगी। जब वह मीना के घर पहुंची तब मीना ने तोहफा स्वीकार करके मधु को धन्यवाद दिया, तोहफा मेज पर रखा और उससे एक फिल्म के बारे में बात करने लगी जो उसने हाल ही में देखी थी। तभी उनकी सहेली लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने मीना को किसी फिल्म के गीतों की सीडी दी। मीना वह सीडी देखकर बहुत खुश हुई और उसने सीडी को तुरंत बजाया और गीत सुनने लगी। मीना ने लक्ष्मी का तोहफा इतने उत्साह के साथ क्यों लिया जबकि वह मधु के तोहफे को देखकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुई? मधु को लगा कि मीना को लोक संगीत पसंद आएगा, इसलिए वह उसके लिए सीडी लेकर आई। शायद लक्ष्मी को मालूम था कि मीना को फिल्म संगीत पसंद है, इसलिए वह मीना के लिए वही लेकर आई। जो बात लक्ष्मी याद रख पाई वह मधु को याद नहीं रही। पहचानने और याद रखने से हमें दूसरों की पसंद और नापसंद जानने में मदद मिलती है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? हर रविवार को कमला अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाकर नजदीक के बांध तक जाती है। वह अपने काम इस तरह से करती है ताकि वह हर रविवार को दोस्तों के साथ साइकिल चलाने का यह पैटर्न कायम रख सके। ऐसा करने से उसे बहुत आनंद मिलता है। क्या आप ऐसे किसी पैटर्न को पहचान सकते हैं जिससे आपको सुख, जोश, गर्व, संतुष्टि इत्यादि का आभास होता है? जिस तरह से हम उन परिस्थितियों, व्यवहारों और कार्यों को पहचान पाते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है, उसी तरह हम ऐसी परिस्थितियों और व्यवहारों को भी पहचान सकते हैं जिनसे दूसरों को खुशी या दुख महसूस होगा। उदाहरण के लिए, कुमार ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है और उसे अक्सर अपने सहपाठियों पर गुस्सा आता है। जब उसके गुस्से के पैटर्न को देखा गया तो यह पता चला कि जब भी कोई विद्यार्थी उससे पूछे बिना उसकी चीजें ले लेता है तब उसे गुस्सा आता है। यह बात नोट करने के बाद उसके सहपाठी उसकी चीजें लेने से पहले उसकी इजाजत लेने लगे। जब हम खुद के और दूसरों के व्यवहार को याद करके उसमें एक पैटर्न देखते हैं तो हम ऐसे काम करने से खुद को रोक पाते हैं जिनकी वजह से अप्रिय घटनाएं होती हैं और नकारात्मक भावनाएं सामने आती हैं, जैसे कि गुस्सा, चिंता, डर इत्यादि। पहचानने और याद करने से हम ऐसी अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं जिनसे दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। अब एक कहानी का समय है। ईशा ने
एक किस्म की कलर पेंसिलें खरीदी और उन्हें दो बार इस्तेमाल किया। वह उन पेंसिलों से ज्यादा खुश नहीं थी। उसने अगली बार अलग किस्म की पेंसिलें खरीदी। आम तौर पर याद रखने और पहचानने से हम कुछ काम कर पाते हैं या फिर कुछ काम टाल पाते हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। पहचानने और याद करने के फायदे। पहला, पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, दूसरों की पसंद और नापसंद याद रखने में मदद मिलती है। तीसरा, अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद मिलती है। चौथा, सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने में मदद मिलती है। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया, धन्यवाद। आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिनमें चेहरे के भाव और हस्त मुद्राएं दर्शाई जाएंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें क्या दर्शाया गया है और क्यों? लज्जा, गुस्सा, लिफ्ट मांगना। कृपया चुप हो जाइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या आपको पता है कि जब आपने चित्रों के बारे में अंदाजा लगाया, तब आप अनुमान लगा रहे थे? अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।